तो आइए आज बात करते हैं एक ऐसे प्लांट के बारे में जिसमें आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, कई लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, और इसको आम तौर पर भारत में कहा जाता है ऑल स्पाइस प्लांट। अब ये ऑल स्पाइस प्लांट क्या है? इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि इसके अंदर से आपको तरह तरह के मसालों की खुशबू आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें तेज पत्ते की खुशबू आ रही है, कुछ लोगों को इसमें से दालचीनी की, किसी को काली मिर्च की, मतलब विभिन्न किस्म के मसालों की खुशबू आती है, इसलिए इसे भारत में एक नया ही नाम मिल गया, ऑल स्पाइस प्लांट। अब इसके पीछे भी बड़ी रोचक कहानी है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हम आपको जानकारी देते रहेंगे कि किस तरीके से भारत में औषधियों का अलग अलग तरीके से विस्तार हुआ और कुछ औषधियों का ह्रास भी हुआ। तो आइए मिलते हैं अब ऑल स्पाइस प्लांट से। जैसा कि अब आप ये देख रहे हैं, ये मेरे सामने है ऑल स्पाइस प्लांट। आप सब लोगों ने इसे अच्छे तरीके से देखा होगा, अभी ये छोटी छोटी पौधे हैं, बड़े होके करीब ये 20 फीट तक की हाइट ले लेते हैं। इन्हीं के पौधों में सबसे खास बात यह है, यदि आप इसकी ये पत्तियां तोड़ें, ये यहाँ से तना लीजिए या इसकी छाल उतार लें, जब ये पौधा बड़ा हो जाता है, यहाँ से आप इसकी ऐसी छाल उतार लें, तब सारी ही अरोमेटिक होती हैं, सब में से ही खुशबू आती हैं। जब ये पौधा बड़ा हो जाता है तब इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ बेरी के किस्म की, कुछ जो छोटी छोटी काली मिर्च होती हैं उस किस्म की, इसमें भूरे रंग की आपको देखने में कुछ दाने मिलेंगे जो देखने में काली मिर्च की तरह होते हैं, उनको आप सुखाकर प्रयोग कर सकते हैं। अब उनके प्रयोग के ऊपर भी एक बड़ी रोचक कहानी है। असल में ये जो ऑल स्पाइस का प्लांट है, ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल इसमें प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसका प्रयोग प्राचीन काल से बहुत सारे लोगों ने किया है। सबसे पहले जो इसकी सबसे खास बात मैं आपको बताता हूँ, उसमें क्या था कि नेपोलियन जब लड़ रहा था तो उस टाइम पे लेदर के शूज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। अब जब वो दिन रात लड़ते थे और परेशान रहते थे तो उस दशा में क्या होता था कि उनके जूते गीले होते थे और उस पे फंगस आ जाती थी। नेपोलियन ने अपनी पूरी आर्मी को ये हुक्म दिया कि आप सब लोग इन बेरीज को इकट्ठा कीजिए और उन्हें अपने जूतों से मसलिए। इनकी वो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगस प्रॉपर्टी ने उनकी जूते से किसी भी किस्म को फंगस से बचाया और उनके पैरों में होने वाले सारे ही संक्रामक रोगों को दूर कर दिया। तो एक तो बात हुई इसके बारे में ये। दोस्तों इसके बारे में एक बड़ी रोचक जानकारी और बताता हूँ। आप सब लोगों ने बचपन से पढ़ाई जब की होगी तो कोलंबस का नाम ज़रूर सुना होगा कि कोलंबस के सन में भारत आया और उसने यहाँ घूमा वहाँ घूमा, लेकिन यही कोलंबस महाराज इस पौधे को पहचानने में गलती कर गए थे। असल में क्या हुआ कि ये जो बेसिकली ये जो ऑल स्पाइस प्लांट है, ये मूलतः जमैका का है। इसका एक नाम मैक्सिकन बेबी होता है, और साथ ही साथ क्या हुआ कि जब इसने उसे देखा तो वो बड़ा खुश हो गया कि अरे वाह, उसे दालचीनी का पौधा मिल गया। लेकिन असल में ये दालचीनी नहीं होती है। इसको वो लेकर अपने घर तक पहुंचा और उसने उसे वहाँ पर लगाया, तब उसे लेटर पता लगा कि इसका नाम तो दालचीनी है ही नहीं, असल में ये मैक्सिकन बे है या ऑल स्पाइस प्लांट है। लेकिन अपनी गलती से भी कोलंबस ने इस पौधे के साथ कुछ ऐसी चीज़ की जो आज तक कायम है। इसका साइंटिफिक नाम पिमेंटो या पिमेंटा होता है, और जिसका अर्थ होता है एक तरीके से दालचीनी। तो उसने इसे दालचीनी समझा और दालचीनी ही इसका नाम दे दिया। लेकिन हकीकत बात यह है कि ये दालचीनी नहीं है, यह है एक तरीके की मैक्सिकन बेलीफ। इसका प्रयोग आप तरह तरह से कर सकते हैं। यदि आप चाय बनाते हैं तब इसमें इसका पत्ता डाल दीजिए। ये एंटी बैक्टीरियल है, तो वो सारे लोग जो अपने घर में अनाज रखते हैं, कई कई किस्म की गोलियाँ वो इसमें डाल के रखते हैं, तो वो लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने किसी भी खाद्य पदार्थ में किसी भी कीटाणुओं को बचाने के लिए, किसी भी नुकसान ना हो उनके खाने को, इसके लिए भी वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये जो पौधा है, यदि आप अपनी आसपास की किसी भी नर्सरी में जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से 100-150 रुपए में मिल जाएगा। आप इसकी बेरीज इकट्ठी कर सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं, इनके पत्तों को तोड़कर या तो ड्राई यूज़ कर सकते हैं या फिर इन्हें उबालकर इनकी चाय या काढ़ा बना सकते हैं। तमाम तरीके के गुणों से भरपूर ये ऑल स्पाइस प्लांट, केवल ऑल स्पाइस नहीं है ये एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियां आपको किसी भी किस्म के फंगल इन्फेक्शन से बचा सकती हैं। यदि आपके किसी भी जगह पर कोई इन्फेक्शन हुआ है, आप इस पत्ते को लीजिए और वहां पर रगड़ लीजिए, केवल 2 से 3 दिन में ही आप देखेंगे कि ये साधारण सी दिखने वाली पत्तियां, ये जो पत्तियां हैं, ये आपके किसी भी रोग को ख़त्म कर सकती हैं। अभी जो मेरे हाथ में ये नन्हा सा पौधा देख रहे हो, भविष्य में ये बड़ा होकर एक बड़ा पेड़ बनेगा और जिसके पास भी जाएगा उसके तमाम रोगों को दूर करेगा। तो आप भी अपने आसपास इसे ढूंढिए, इसे अपने घर पे लगाइए। पेड़ पौधों को जब आप अपने घर में लगाएंगे तो न सिर्फ आपको इसमें किसी भी तरीके के रोगों को दूर करने की शक्ति होती है, साथ ही साथ इस पेड़ की एक खास बात और है, इस पर आपको किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने आप में इसकी प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये देखेंगे कि इस पेड़ में मकड़ी का जाला लग जाता है, जिसके लिए आप नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं।
तो इस तरीके से इस प्राकृतिक पेस्टिसाइड का प्रयोग करके आप अपने घर की चीज़ों को भी सही रख सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और दीर्घायु रख सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपने इस ऑल स्पाइस प्लांट को एक नए नज़रिए से देखा होगा। इसकी कुछ ऐसी बातें आपको पता लगी होंगी जो शायद आपने सुनी तो क्या सोची भी नहीं होंगी। यदि आज की आपको वीडियो अच्छी लगी है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है, तो इसे लाइक करें और इसके बारे में और लोग भी जान पाएँ, इसके लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।